बाबा बागेश्वर की पर्ची काटने वाले बाबा कौन हैं? एक दलित का अपमान करना कितना सही? कब तक ऐसे बाबा करते रहेंगे दलितों के साथ ढोंग? कब तक ऐसा चलता रहेगा धर्म कांड का खेल? चंद्रशेखर आजाद ने दिखाया ऐसे लोगों को आईना और बताया कि नहीं करेंगे ये सब बर्दाश्त। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहां बाबागिरी धमाकेदार होती है। बाबाओं की लीला इतनी है कि वो कुछ भी कर दें सब सही लगता है, लेकिन कभी कभी बाबागिरी भारी पड़ती है तो कभी कई सवाल भी खड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही एक बाबा ने एक नया कांड शुरू किया। बाबा के स्केल के पीछे उनका मकसद ही नहीं बल्कि विचार भी अभी पुराने वाले हैं। नहीं कहा जा सकता कि ख्याल बदल जाए, लेकिन हालातों पर किसी के ठोकर नहीं मारा करते। बाबा बागेश्वर जैसा स्टाइल, बाबा बागेश्वर के जैसे पर्ची की लिखावट और बाबा बागेश्वर जैसा बोलने की कोशिश करने वाले महाराज का नया ज्ञान अब उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। ये बाबा बहुत ही कमाल की जादूगरी करते हैं। कोशिश तो करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की तरह करने की, लेकिन नियति और विचार अभी इनके भी छोटे हैं। अपने से नीची जाति वालों को बाबा ने ऐसा कुछ कह दिया कि यूपी में दलित के नेता चंद्रशेखर आजाद को आगे आना पड़ा। क्या सुर्खियों में रहने के लिए बाबा ऐसा करते हैं या फिर इसके पीछे कोई मकसद है? फिल्मों से लेकर रियलिटी तक बाबागिरी का अपना अलग स्वैग है, लेकिन आज के जमाने में भी क्या इस तरह से सोच और विचार को रखना जायज है? बाबा ने ऐसा बवाल किया कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जातिवादी के फेर में बाबा इस तरह से इस खास जाति का अपमान करेंगे तो कोई भी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भैया जिन्होंने भेजा आप उनको जानते हो? आप एक थप्पड़ दें झूठ बोले तो आप मैं कटक पास में बोलो क्या बात है? कुछ नहीं पूछना है। क्या नाम है आपका? जाति नाऊ नाऊ उनका रोहित कुमार नाऊ नाम है, जाति नाऊ है। पूछना कुछ नहीं चाहते, आशीर्वाद है। क्या आपने किसी को बताया था? बोलिए पंडोगा सरकार की जय हो। ये बाबा भी कुछ ऐसा ही कर बैठी थी कि वीडियो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर अपने अंदर की आग को लिख डाला। इस वीडियो को देखकर किस तरह का दर्द हुआ ये भी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने बताया। पहले बाबा के बारे में बताते हैं फिर बताएंगे बाबा ने बखेड़ा क्या किया। बाबा का नाम गुरु शरण महाराज उर्फ पंडोखर सरकार। ठीक इनके कदम बाबा बागेश्वर की तरह चल रहे हैं, बस फर्क इतना है कि ये गुरु शरण महाराज जी दलितों का अपमान कर रहे हैं और कलयुग में कलयुगी बन बैठे हैं। वीडियो में एक शख्स बाबा के पास जाता है, बाबा से अपनी फरियाद अपने मन में लिए जाता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि गुरु शरण महाराज उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे। मंच पर ही सबके सामने सिर्फ उसको निलज्ज नहीं करेंगे बल्कि पूरी की पूरी उसकी जाति को निलज्जित करेंगे। ये बाबा ने कुछ ऐसा ही किया। वीडियो में पहले उसकी कहानी बताते हैं फिर शख्स की जाति के बारे में टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी नहीं बल्कि मंच पर मुर्गा भी बना देते हैं। गुरु शरण महाराज के इस कारनामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भैया जिन्होंने भेजा आप उनको जानते हो? आप एक थप्पड़ दें झूठ बोले तो आप मैं कटक पास में बोलो क्या बात है? कुछ नहीं पूछना है। क्या नाम है आपका? जाति नाऊ नाऊ नगर रोहित कुमार नाऊ नाम है, जाति नाऊ है। पूछना कुछ नहीं चाहते, आशीर्वाद है। क्या आपने किसी को बताया था? बोलिए पंडोगा सरकार की जय हो। और ये देख दिमाग लगाइए कि रोहित कुमार नाऊ ने पूछा क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में मात्र आशीर्वाद चाहता है। क्योंकि आपने सोचा देखते हम देख लेते गुरु महाराज का लेखे है ना, टेस्ट कर रहे थे ना। हाँ सही बता, मुर्गा बन जा, बन मुर्गा, बन का सही से बन, बन मुर्गा। आ, तुम नौवा हो छत्तीसा, हम बाबना है जाना, तो तुमसे कई संख्या बड़े हैं बाबन का दम से। बैठ जाओ, आओ जब हम नहीं रहे तब छत्तीस की चलन, जब हम बैठे तो नौ ना हुई रे पंडित पंडित रे। आओ खुश रहो, लो आनंद करो। जैसे ही वीडियो चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचा तो फिर क्या था, गुरु शरण महाराज को टारगेट पर ले लिया और कई ऐसे बाबाओं समेत मध्य प्रदेश की सरकार पर अटैक कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा इस वीडियो से स्पष्ट है कि धर्म की आड़ में इस तरह के पाखंडी कथावाचक एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कान खोल कर सुन लो, जिनका तुम अपमान कर रहे हो ये महापद्मानंद और जननायक कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं। जिस दिन इनको ये बात समझ आ जाएगी उस दिन तुम्हारी दुकान का शटर डल जाएगा। धिक्कार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, जिनके राज में न सिर्फ ये जातिवादी फल फूल रहे हैं बल्कि बहुजन पिछड़ों को अपमानित भी कर रहे हैं। संविधान जाति धर्म वंश लिंग के भेदभाव को नकारता है, इसीलिए ऐसे पाखंडियों का स्थान कथा पंडाल नहीं जेल है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम नई सेना सविता नंद वंश के अपने भाइयों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।